हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली की लंबाई है वो फिंगर्स के लगभग इक्वल नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं जो हथेली है थोड़ी रेक्टेंगल शो करती हुई, और जो इसकी लेंथ है यहां पर हम मैच करेंगे इनकी जो मध्यमा उंगली है, तो काफी अच्छी लेंथ में फिंगर्स मीडियम साइज्ड हैं। तो यहाँ पर जो इनकी नेचर है वो हार्ड वर्किंग टाइप की रहेगी, और अगर आप फिंगर्स को चेक करें तो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही हैं। थोड़ी सी टिल्टेशन शनि फिंगर में, जो यहाँ पर इन्हें हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में शो करते हैं, थोड़ी विराग्या की भावना भी इनके भीतर रह सकती है। और कुछ गैप नजर आ रहा है मुझे इनकी सूर्य और शनि फिंगर के बीच में, जो इन्हें थोड़ी सी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी तो बनाएगा, थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी देगा। और अगर आप देखें इनकी फिंगर्स की लेंथ को, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई है वो गुरु फिंगर से काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैप, जो डिस्टेंस नजर आ रहा है। एक अच्छी लेंथ में होना सूर्य फिंगर का व्यक्ति को क्रिएटिव क्वालिटीज देता है, काफी अच्छा सोशल सर्कल देता है, लेकिन साथ साथ रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी भी रहती है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेते वक्त घबराते नहीं हैं, बड़े बड़े रिस्क ले जाते हैं, और बिजनेस के मामले में भी कई बार ये बड़े रिस्क ले लेते हैं। और इस तरह की लंबी फिंगर होने की वजह से शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या इस तरह की रिस्की ट्रेड में भी इनके जाने के चांसेस रहते हैं। अगर बात की जाए गुरु फिंगर की, तो गुरु फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई नजर आ रही है, लीडरशिप क्वालिटीज में कमी रहती है, और फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी सी वीकनेस रहती है। अदरवाइज शनि फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है, जो हार्डवर्किंग इन्हें बना रही है। और अगर देखा जाए तो इनकी फिंगर, जो इनकी मर्करी फिंगर है, अच्छी लेंथ में लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती हुई सूर्य फिंगर के, जो यहाँ पर शो कर रही है काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और काफी अच्छी एनालिटिकल क्वालिटीज को भी, क्योंकि इनकी सारी फिंगर्स आगे से पॉइंटेड होती हुई भी नजर आ रही हैं। काफी एनालिटिक टाइप के पर्सन यह रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके जो माउंट्स हैं वो किस तरह से सेट हैं, और उसके बाद लाइंस को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आएगी। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं है, हल्का सा जो इनका माउंट लो सेट है मर्करी वो नॉर्मल है, थोड़ी शाई नेचर रहेगी लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव इसका नहीं रहने वाला। तो चलिए आगे देखते हैं कि माउंट्स इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करते हैं, थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखलाना चाहूंगा। तो यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर बनता हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं लेकिन काफी अच्छी फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर की देख पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह से घुमावदार रेखाओं से जब एक लूप क्रिएट होता है जो या तो सूर्य और मर्करी फिंगर के बीच में हो या शनि और सूर्य फिंगर के बीच में, तो यह लूप काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह का लूप दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। तो दोनों लूप्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। लूप ऑफ सीरियसनेस व्यक्ति को एक सीरियस नेचर देता है, एक सीरियस अप्रोच देता है अपने कामों के प्रति, लेकिन अगर यह अकेला एक ही लूप हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति सीरियस नेचर का रहता है और बहुत गंभीरता से अपने प्रोफेशन को लेता है, तब उस केस में यह वाला लूप यहां पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों लूप मौजूद हो तो दोनों तरह की क्वालिटीज आ जाती हैं। समय समय पर व्यक्ति काफी ज्यादा सीरियस नेचर का बन जाता है, और समय समय पर ह्यूमरस नेचर का। तो लूप ऑफ ह्यूमर साथ में होने से व्यक्ति अपने प्रोफेशन को उतना सीरियसली नहीं लेता जितना उसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ हद तक इस लूप ऑफ सीरियसनेस की जो वीकनेसेस हैं उनको कम करता है लूप ऑफ ह्यूमर, व्यक्ति को हसमुख बनाता है और लाइफ को एंजॉय करने के मौके भी देता है। तो दोनों लूप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो दोनों तरह की क्वालिटीज इनके भीतर रहनी चाहिए। और अगर बात की जाए यहाँ पर माउंट्स की, तो यहाँ पर जो इनका माउंट है बृहस्पति काफी अच्छा नजर आ रहा है, और जो बृहस्पति माउंट का ट्राइरिडल है थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है यहाँ पर, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं रहती अगर ट्राइरिडल
शिफ्टेड हो, यहां पर शनि की तरफ शिफ्टेड होना इस ट्राइडल का, यह जो माउंट है शनि माउंट है, तो इस तरफ इस माउंट का शिफ्ट होना शो करता है व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना रह सकती है। और ऑकल्ट साइंसेस में काफी अच्छा इंटरेस्ट रहता है, और ऐसे व्यक्ति दान वगैरह करने में बहुत आगे रहते हैं, सोशल वर्क करने में भी काफी आगे रहते हैं, तो कुछ इस तरह के प्रभाव रहते हैं। यहाँ पर जो इनका बृहस्पति माउंट है काफी अच्छा नजर आ रहा है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह मुझे इनके बृहस्पति माउंट पर नजर नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं इनके शनि माउंट को, तो शनि माउंट यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, फ्लैट है, लेकिन अगर शनि रेखा की बात की जाए तो शनि रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप एंड डार्क नहीं है। अगर हम इस रेखा को इस तरह से लें, एज वाइज इसको हम अगर चेक करें, तो आप देख सकते हैं यहां से जो एज शुरू होती है 36 के आसपास की एज, वहां से ये लाइन काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, और आप यह कह सकते हैं कि 36 की एज से इन्हें अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर यह लाइन पूरी तरह से स्ट्रांग हो रही है। उससे पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकी शनि रेखा है कुछ इस तरह से चलती हुई, और एक बाहर से रेखा आकर चलकर इसमें मिलने की कोशिश करती हुई, अगर यह रेखा ज्वाइन कर लेती है, इसको इस तरह से जुड़ जाती है इसके साथ, और ये दोनों रेखाएं आगे कंटिन्यू होती हैं, तो यह एज जो रहेगी 30 की एज, 30 से लेकर 36 की एज भी काफी सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन अभी जो सिनेरियो है यहाँ पर जो नजर आ रहा है, वो 30 से लेकर 36 तक की एज काफी स्ट्रगल भरी रह सकती है, काफी मेहनत इनको करनी पड़ेगी, लेकिन कंफर्ट्स आनी शुरू होंगी, जिसको हम तरक्की कहते हैं, वो आनी शुरू होगी 36 की एज से, और 36 की एज से लेकर आगे तक काफी तरक्की रहेगी रिटायरमेंट की एज तक, उसके बाद जो लाइफ है स्मूथ रहने वाली है। तो यहाँ पर यह जो एरिया रहेगा एज का, जो लगभग 30 के आसपास का एरिया, यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो यह जो एज रहेगी 30 की एज, इनके लिए थोड़ी स्ट्रगल भरी और टफ रहने के चांसेस हैं। आगे देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, तो सूर्य माउंट को आप चेक कर सकते हैं, जो सूर्य माउंट है काफी अच्छी सूर्य रेखा के साथ मौजूद है, जो एक बहुत अच्छे सोशल सर्कल की तरफ इशारा करता है। इस तरह की सूर्य रेखा होना, एक स्ट्रांग सूर्य रेखा का होना व्यक्ति की जो सोसाइटी है, जो जान पहचान है, अच्छे लोगों के साथ रहती है, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक अप्रोच रहती है, और काफी स्ट्रांग लाइन होने की वजह से व्यक्ति इनसे काफी अच्छे अपने काम भी निकलवा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की रेखा का होना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन यह रेखा बहुत ऊपर तक मौजूद है, अगर यह रेखा लंबाई में हो तो छोटी एज से ही वैसा सर्कल बनता है, लेकिन यह जो एक्टिवेशन है इस रेखा की 50s की एज के बाद रहेगी, और ओल्ड एज में इनको बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट देती हुई यह रेखा नजर आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका मर्करी माउंट, तो मर्करी माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, थोड़ा सा लो सेट होता हो मर्करी माउंट, थोड़ी शाई नेचर इनको दे सकता है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम मुझे मर्करी माउंट से नजर नहीं आ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है काफी क्लियर हार्ट की लाइन, और ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जो यहाँ पर आप कर्व देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन में, यह शो करता है इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी को, और साथ ही साथ बहुत ही केयरिंग टाइप की नेचर रहती है, जिनकी हार्ट की लाइन पूरी तरह से मुड़कर गुरु और शनि पर्वत के बीच में जाकर खत्म हो, तो इस तरह की हार्ट की लाइन। लेकिन अगर हार्ट की लाइन की स्ट्रेंथ की बात करें, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ मुझे 60s की एज के बाद, जो यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ एरिया, आप इस लाइन को कंपेयर कर सकते हैं पहले की एज से, यहाँ पर जो लाइन है ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम कंपेयर करें ओल्ड एज के साथ, तो ओल्ड एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इनके हाथ में भी जो इनकी लाइफ लाइन है काफी स्ट्रांग चलती हुई, लेकिन 55 के अराउंड एज के बाद यह लाइफ लाइन की जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल में वीकनेस आ रही है, एनर्जी लेवल यहाँ से कम हो रहा है। जो एरिया में अभी सर्कल कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, इस लाइन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि ओल्ड एज में कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको रहने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देने, लेकिन एज लंबी रहेगी क्योंकि यहाँ पर लाइन सिर्फ वीक हो रही है, यह शो नहीं कर रही कि यहाँ पर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन एज इनकी काफी लंबी रहने वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी कर्व्ड लाइन है, और पीछे की तरफ मुड़ती हुई शुक्र की पूरी सपोर्ट है,
और एज जो है इनकी 90s के आसपास तक भी रह सकती है। काफी लंबाई में इनकी लाइफलाइन का होना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारी आड़ी रेखाएं यहाँ पर व्यर्थ की चिंताएं व्यक्ति को देती हैं, फैमिली से लेकर फैमिली से रिलेटेड चिंताएं, हेल्थ रिलेटेड चिंताएं, ये चिंताएं व्यक्ति को लाइफ में बनी रहती हैं इस तरह की आड़ी रेखाएं शुक्र माउंट पर होने की वजह से। अगर आप यहाँ पर नजर दें तो आपको नजर आएगा इनकी जो माइंड लाइन है और जो इनकी लाइफ लाइन है दोनों के बीच में मेजर गैप नजर आ रहा है, जो यहाँ पर इनकी इनके जिद्दी स्वभाव को शो करता है। और साथ ही साथ इस तरह का गैप होने की वजह से व्यक्ति काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी के भी होते हैं, तो काफी अच्छी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। यहाँ पर मंगल एरिया पर इस रेखा का मौजूद होना शो करता है काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को, और जिनके हाथ पर भी मंगल रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पर लाइंस काफी अच्छी हैं, इनके हाथ में स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं, बहुत ज्यादा लाइंस नहीं है, जो एक अच्छी बात है। अगर बहुत ज्यादा लाइंस रहती हैं तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर एक स्मूथ लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओल्ड एज तक, और ओल्ड एज में थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहने के चांसेस को। उसके अलावा जब भी रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं चंद्रमा के एरिया से, तो यह फॉरेन ट्रैवल के और लॉन्ग ट्रैवल के चांसेस देती हैं, और कुछ इस तरह का फिश का चिन्ह बनना हथेली में भी व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवलिंग देता है। तो यहाँ पर यह फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, कुछ समय विदेश में रुक भी सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी जो लाइफ की लाइन है वो कंप्लीटली शुक्र एरिया को कवर करती हुई और पीछे की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है, जो शो करती है कि जो इनकी परमानेंट सेटलमेंट है वो अपने बर्थ प्लेस के आसपास ही रहनी चाहिए। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।